ये पृथ्वी का अंत कब होगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति का यही नियम है कि जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका कभी ना कभी अंत तो होता ही है, और ये नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत ना हुआ हो। डायनासोर जैसे जीवन का उदाहरण है कि पृथ्वी पर जीवन पहले भी नष्ट हो चुका है। लेकिन क्या कभी ऐसा भविष्य में भी होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कब होगा। तो दोस्तों, कई सभ्यताओं और धर्मों में पृथ्वी पर प्रलय या विनाश की भविष्यवाणी की गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर विनाश की भविष्यवाणी कब कब की गई। माया सभ्यता। प्रलय का दिन 31 दिसंबर 2012। माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसवी पूर्व मानी जाती है। माया सभ्यता को खगोल के मामले में बेहद उन्नत माना जाता था। अंतरिक्ष के मामले में उनके द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई हैं। मानव सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 दिसंबर सन 2012 की बाद की तारीख का जिक्र नहीं है। माया कैलेंडर के मुताबिक इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले माया सभ्यता ने अंदाजा लगा लिया था कि 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होगा। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने इस सब्जेक्ट पर 2012 नाम की फिल्म बनाकर इस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश भी की। फिल्म के ट्रेलर ने इस भविष्यवाणी को और ज्यादा हवा दी, जिससे कई सारे लोग बेहद डर गए थे। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में भी लग गए थे। टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने तो लोगों की नींद ही उड़ा दी थी। लेकिन 2012 में चर्चा में आई भविष्यवाणी आखिरकार गलत ही साबित हुई। मिंग चेन। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चेन ने ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर ये भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, और क्योंकि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर बहुत पाप ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्य मारे जाएंगे। साल 1988 में सभी अखबार इस भविष्यवाणी से भरे पड़े थे। मिंग चेन के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में थे, इसीलिए सभी ने उनकी भविष्यवाणी को सच मान लिया था। जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आने लगी, लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। कई लोगों ने तो अपनी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि अपने जिंदगी के आखिरी दिन वो अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च की सुबह भी आई और मिंग चेन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। एंड टाइम प्रोफेसीज। ये भविष्यवाणी भी अभी हाल ही में एंड टाइम प्रोफेसी नामक संस्था द्वारा की गई। इस भविष्यवाणी के मुताबिक 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलटने के कारण आपदाएं शुरू हो जाएंगी और कई भयानक सुनामी और भूकंप का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और ठीक उसी वक्त एक उल्कापिंड भी धरती से टकराएगा। इस उल्कापिंड की गर्मी से ऊष्मा पैदा होगी जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि साल 2016 बीत चुका है और आज भी हम हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। अंत में बात करते हैं न्यूटन की। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के मुताबिक दुनिया 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ये ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला था। गति के नियमों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। उस नोट में ये कहा गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और 2060 के बाद पृथ्वी पर वक्त बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में ये दुनिया 2060 के बाद आगे नहीं बढ़ने वाली। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएगी और कितनी नहीं, इसका जवाब तो हम करीब आज से 40 साल बाद ही जान पाएंगे। बहरहाल, इन भविष्यवाणियों में से कुछ की तारीख तो बीत चुकी है, तो कुछ भविष्य में होने वाली है। लेकिन भविष्य किसने देखा है? तब तक चैन की नींद सो जाइए और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।